नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट एग्रीकोस में। दोस्तों आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, नेमेटोलॉजी, प्लांट नेमेटोलॉजी। तो हम उसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्लांट नेमेटोलॉजी। दोस्तों नेमेटोलॉजी क्या होता है? नेमेटोलॉजी मीन्स, लॉजी मीन्स तो सब लोग को पता है, लोगस। लोगस मीन्स क्या होता है? डिस्कोर्स और स्टडी। ठीक है, किसी भी चीज के लास्ट में लॉजी अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका स्टडी करना। अब नेमेटोलॉजी लगा हुआ है तो मतलब इसमें क्या करते हैं, नेमेटोड का स्टडी करते हैं। तो नेमेटोलॉजी का डेफिनेशन क्या देंगे, नेमेटोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस और इट इज एन एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद द कम्प्लेक्स डाइवर्स ग्रुप ऑफ राउंड वर्म्स नोन एज नेमेटोड। नेमेटोड जो दोस्तों होता है वो पूरे एनवायरमेंट में सभी जगह पाया जाता है। ठीक है, अब नेमाटोड को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे यूरोप में इसको ईलवर्म जानते हैं, यूरोप में किस नाम से जानते हैं, ईलवर्म से। यूनाइटेड स्टेट में किस नाम से जाने जाते हैं, तो नेमा से। एंड राउंड वर्म किसके द्वारा बताया गया है, तो डिफरेंट जूलॉजिस्ट जो भी एनिमल का स्टडी करते हैं। जैसे बायोलॉजी का दो ब्रांच होता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो जो भी जूलॉजी का स्टडी करते हैं वो जूलॉजिस्ट होते हैं, उनको वो साइंटिस्ट जो है इसको राउंड वर्म नाम दिए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि यूरोप में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, ईलवर्म से नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी नेमाटोड होते हैं वो उसमें से कुछ जो है वो प्लांट के लिए पैरासिटिक होते हैं एंड एनिमल के लिए पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, कुछ नेमाटोड जो होते हैं प्लांट के लिए पैरासिटिक होते हैं एंड कुछ नेमाटोड जो है वो एनिमल के लिए पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, जबकि कुछ कुछ जो होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं एग्रीकल्चर के लिए एंड अदर एनवायरमेंट के लिए। अब जो नेमाटोड एनिमल के लिए या फिर ह्यूमन के लिए, मींस जो नेमाटोड मैमल्स मींस आदमी और एनिमल के लिए पैरासाइट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलमेंथिस। क्या बोलते हैं, हेलमेंथिस। वैसा नेमाटोड दैट आर पैरासाइट ऑफ मैन एंड एनिमल दैट आर कॉल्ड एज हेलमेंथिस। ठीक है, हम लोग को ये ध्यान रखना है बात है कि हम लोग को नेमाटोड किस रेस्पेक्ट में बात बोलना है और हेलमेंथिस किस रेस्पेक्ट में बात करना है। तो हेलमेंथिस कब बोलेंगे, जब नेमाटोड मैन और एनिमल पे पैरासिटिक बिहेवियर शो करेगा उस कंडीशन में हम लोग हेलमेंथिस बोलेंगे। और अगर नेमाटोड प्लांट के लिए पैरासिटिक होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेमाटोड बोलेंगे। और प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड को हम लोग स्टडी को क्या बोलते हैं, प्लांट नेमेटोलॉजी। उसी तरह एनिमल और मैन पैरासिटिक नेमाटोड को स्टडी के लिए क्या बोलते हैं, हेलमिंथोलॉजी। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, नेमाटोड का वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, किस कंट्री से नेमाटोड का वर्ड डिराइव किया गया है, कि ऑरिजिन क्या है, नेमाटोड का वर्ड ऑरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है। नेमा मीन्स क्या होता है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है नेमाटोड, ये दो वर्ड से बनता है। नेमा मीन्स होता है क्या, थ्रेड, एंड ओएडिस मीन्स रिसेम्बलिंग। क्या हो गया इसका मतलब, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। नेमाटोड कैसा होता है, धागे के जैसा पतला होता है, तो धागे के जैसा स्ट्रक्चर रहेगा उसका वो हमारा नेमाटोड दिखाई देता है डिफरेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप के साथ है। दोस्तों ये हमारा नेमाटोड का डायग्राम है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, हमने इसको चैप्टर के ऊपर बनाया है और एक राइट हैंड साइड में भी बनाया है। हम अलग अलग नेमाटोड का अलग अलग शेप होता है, वो हम आपको आगे के लेक्चर में पढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम नेमाटोड का डिफरेंट टाइप डिफरेंट शेप के अकॉर्डिंग बताते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला स्लाइड आता है नेमाटोलॉजी का हिस्ट्री, नेमाटोलॉजी कहाँ से ओरिजिन हुआ, सबसे पहले किसने खोज किया इसको। तो सबसे पहले जो खोज किए, ये क्वेश्चन तो कंफर्म पूछी जाती है। दोस्तों आप जितने भी एग्जाम देंगे उसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। प्लांट प्रोटेक्शन ग्रुप में तीन सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से, इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी। नेमेटोलॉजी से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन 1743 आप पॉइंटर ध्यान दे, इन 1743 निदाम साहब, जॉन निदाम जो साइंटिस्ट थे उसने फर्स्ट टाइम प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड का डिस्कवर किया। फर्स्ट टाइम प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड का डिस्कवरी किसने किया, जॉन निदाम।
किस क्रॉप पे किए ये भी पूछा जा सकता है। किस क्रॉप पे किए थे? व्हीट पे। ठीक है, अब उस व्हीट क्रॉप पे उस नेमाटोड जो है क्या करता था, मीन्स क्या डिजीज कॉज करता था, कौन सा डिजीज कॉज करता था। तो डिजीज का नाम पूछ सकता है, क्रॉप का नाम पूछ सकता है, साइंटिस्ट का नाम पूछ सकता है, ईयर पूछ सकता है। ठीक है, तो व्हीट क्रॉप पे जो है जॉन निदाम साहब जो नेमाटोड को डिस्कवर किए थे वो डिजीज कौन सा करता था? सीड गोल्ड नेमाटोड, सीड गोल्ड नेमाटोड। ठीक है, मीन्स सीड गोल जो है वो सिम्टम है, सीड गोल जो है सिम्टम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नॉर्मल येलोइश कलर का जो व्हीट है ये हमारा नॉर्मल ग्रेन है। ठीक है, बट एंगोनिया ट्राइटसी के कारण जो व्हीट का ग्रेन है वो ब्लैक कलर का हो गया है। आप पॉइंटर पे ध्यान देकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जॉन निदाम इन 1743 डिस्कवर्ड द फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड ऑन व्हीट दैट कॉजेज सीड गॉल इन व्हीट क्रॉप्स एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ नेमेटोड इज एंगोनिया ट्राइटसी। देन सेकेंड इन 1855 बर्कले रिपोर्टेड द रूट नोट नेमेटोड, रूट नोट नेमेटोड दियर साइंटिफिक नेम इज मेलिडोगाइन स्पेसीज। ओके, मेलिडोगाइन स्पेसीज क्या करता है? मेलिडोगाइन स्पेसीज जो होता है रूट गॉल डिजीज कॉज करता है, रूट गॉल डिजीज कॉज करता है। मेलिडोगाइन स्पेसी कौन सा डिजीज कॉज करता है? रूट गॉल कॉज करता है। बट मेलिडोगाइन स्पेसी फर्स्ट टाइम किस क्रॉप पे खोजा गया था? तो किस क्रॉप पे खोजा गया था? कुकुम्बर प्लांट पे, और वो भी कहाँ पे? नॉर्मल फील्ड में नहीं, ग्रीन हाउस में। मीन्स जब हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो रहा था, मीन्स जब एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो रहा था उसी समय इंग्लैंड में बर्कले साहब जो थे वो रूट नोट नेमेटोड का इंग्लैंड में डिस्कवर कर दिए थे। ओके, आप यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप से लिया हुआ है डायग्राम, मीन्स फोटो आइसोलेट कर नेमेटोड का, और ये मेलिडोगाइन स्पेसी है, इसका हम शेप अलग अलग डिटेल में पढ़ाएंगे। उसके बाद 1857 में कुन जो थे वो पैथोलॉजिस्ट भी थे, नेमेटोलॉजिस्ट भी थे, मीन्स इनका अलग अलग फील्ड में बहुत सारा काम है। इन्होंने रिपोर्ट किया था स्टेम एंड बल्ब नेमेटोड, स्टेम एंड बल्ब नेमेटोड, साइंटिफिक नेम इसका ध्यान रखेंगे डाइटेलेंकस डिप्सेकी। साइंटिफिक नेम क्या होता है? डाइटेलेंकस डिप्सेकी। ओके, देन नेक्स्ट 1859 में सेट साहब जो थे वो सुगर बीट सिस्ट नेमेटोड को डिस्कवरी किए थे, सुगर बीट सिस्ट नेमेटोड का साइंटिफिक नेम क्या होता है? हेटरोडेरा सैचेटी। दोस्तों हमने जो जो यहाँ पे डिस्कवरी का पार्ट पढ़ाया है, जो जो भी नेमेटोड का डिस्कवरी बताया है उसका हमने डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जाता है फादर ऑफ अमेरिकन नेमेटोलॉजी कौन है, फादर ऑफ अमेरिकन नेमेटोलॉजी कौन है? एने कॉब थे। कौन थे? एने कॉब। और दोस्तों अगर फादर ऑफ नेमेटोलॉजी पूछा जाएगा तब क्या होगा? बेस्टेन। क्या होगा? बेस्टेन। फादर ऑफ अमेरिकन नेमेटोलॉजी, देन आंसर क्या जाएगा? एने कॉब। एंड फादर ऑफ अमेरिकन नेमेटोलॉजी पूछा जाएगा तो एने कॉब। एंड फादर ऑफ ओनली नेमेटोलॉजी पूछा जाएगा तो क्या होगा? बेस्टेन। उसके बाद 1933 में फर्स्ट टाइम बुक लिखा गया, उस बुक का टाइटल क्या था? प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड एंड द डिजीज दे काउज। किसने लिखा? टी गुडी साहब। 1933 में फर्स्ट टाइम बुक पब्लिश हुआ, कौन सा बुक? प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड एंड द डिजीज दे काउज। ओके, देन 1934 में फिलिप जेब थे वो बुक लिखे, कौन सा? नेमेटोड दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। ये बुक लिखे थे कहाँ से? ट्रांसलेट किए थे रशियन टू इंग्लिश, मीन्स पहले रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, उसको 1934 में फिलिप जेब जो थे वो बुक लिखे थे नेमेटोड दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। ओके, दैट आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम रशियन टू इंग्लिश इन 1941। किसने ट्रांसलेट किया था इस बुक को? तो एस अस्टेकोवन, अंडर द टाइटल अ मैनुअल ऑफ एग्रीकल्चरल हेलमेंथोलॉजी। मीन्स फिलिप जेब जो थे वो बुक जो लिखे नेमाटोड्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर उसको ट्रांसलेट ये लिखे थे रशियन लैंग्वेज में, बट इन 1941 एस अस्टेकोवन जो थे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए। उसके बाद 1943 में कार्टर साहब जो थे
और डिस्क्राइब किए किसका, नेमेटिसाइड का। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं डिजीज को रोकने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, पेस्टिसाइड्स, फंगस को कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड्स, वीड को कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड्स, ठीक है, उसी तरह नेमाटोड को कंट्रोल करने के लिए नेमेटिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। अब वो नेमेटिसाइड जो थे वो 1943 में कार्टर साहब जो थे वो डीडी 136 का डिस्कवरी किए थे, ठीक है। और वो किसके में यूज होता था, तो सोयल फ्यूमिगेशन, किस फॉर्म में, सोयल फ्यूमिगेशन में। उसके बाद 1945 में क्रिस्टी साहब जो थे वो किसका डेवलपमेंट किए थे, ईडीबी, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ईडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ये नेमेटिसाइडल वैल्यू जो है ईडीबी का, उसका डिस्क्रिप्शन क्रिस्टी साहब दिए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1955 में फर्स्ट टाइम यूरोपियन सोसाइटी नेमेटोलॉजिस्ट का स्टार्ट किया गया। जैसे नेमाटोड जब ज्यादा डिजीज काउज करने लगेगा, ज्यादा हार्म करने लगेगा, तो उसको रिसर्च के लिए हमारी सोसाइटी बनाया गया। और फर्स्ट टाइम सोसाइटी कौन सा बना, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ नेमेटोलॉजिस्ट है। कब एस्टेब्लिश हुआ, 1955। जो भी दोस्तों फर्स्ट टाइम हुआ रहता है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम उसको खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे पहले बार सोसाइटी 1955 में बन गया, बट फर्स्ट जर्नल कहाँ से पब्लिश किया गया और कौन सा जर्नल पब्लिश किया गया, तो फर्स्ट जर्नल जो है वो 1956 में नेमेटोलॉजी का नाम से पब्लिश किया गया। और उसका टाइटल क्या था, नेमेटोलॉजी का था। वो फर्स्ट जर्नल पब्लिश हुआ कहाँ से, नीदरलैंड से। कहाँ से, नीदरलैंड से। दोस्तों ये नेमेटोलॉजी का वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री हो गया। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ नेमेटोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट डिस्कवर किए, इंडिया में डेवलपमेंट नेमेटोलॉजी का किस तरह हुआ, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।